Number one, lack of knowledge and professionalism is in the stock market. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की वो ये प्रॉब्लम है, देर इज नो इंस्टीट्यूशन दोज हु कैन ट्रेन द पीपल. आपके जितने भी ब्रोकर्स इस वक्त मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज में, 90% ऑफ द पीपल दे डोंट हैव नो क्लू व्हाट दिस बिजनेस इज. जिस तरह के वो आइडियाज देते हैं, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, अगर आज से दो साल पहले अपने रियल एस्टेट एजेंट से पूछें क्या करूं तो कहेगा दिस इज द ग्रेट टाइम टू बाय अ रियल एस्टेट. दो साल पहले स्टॉक वाले से बोले तो वो कहेगा दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. म्यूचुअल फंड वाले से बोलेंगे सर नथिंग लाइक इट, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. आज आप पूछेंगे तो आज भी वो यही जवाब देगा. व्हेन यू टॉक टू अ स्टॉक ब्रोकर वो कहेगा दिस इज द राइट टाइम टू बाय स्टॉक्स. रियल एस्टेट वाले से बोलेंगे यही वक्त है जो रियल एस्टेट खरीदने का वक्त है. दे ऑल नो कि मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है. तो दो साल पहले भी जो खरीदने की बात करता था वो आज भी खरीदने की बात कर रहा है. एंड व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट बाइंग दीज स्टॉक्स एंड कमोडिटीज और द रियल एस्टेट, राइट, आई एम श्योर ही इज अ लायर. द रीजन इज व्हेन ही थिंक्स कि यहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी. डू यू थिंक इफ आई नो कि यहां से मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आई एम गोना टेल एनीवन? क्यों कोई आदमी अब खुद अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? दे डोंट डू दैट. वो कभी ये नहीं बोलते कि यहां से मार्केट नीचे भी जा सकती है. द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योर ब्रोकर्स शुड बी कि ये बताओ कि अगर यहां से मार्केट 30% जाएगी तो व्हाट आई शुड डू. दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू. The only answer what they can give you, sir, wait कीजिए, थोड़ा दोबारा घूम जाएगी market, दोबारा आ जाएगी market. This is the best time. अभी आप करें थोड़ी नीचे जाएगी मगर फिर आ जाएगी. They never tell you कि market can go 30% down. अगर वो 30%, it can go to 30%. That's what I say कि we need a planning. अगर हमारे पास planning होगी and we know the trading plan. कि वंस इफ द मार्केट गोज डाउन 30-40%, इवन वेन द मार्केट वॉज 5,000, वेन द मार्केट वॉज 16,000, देर आर फ्यू ऑफ द फेसेज विच आई सी दोज हु हैव अटेंडेड वन ऑफ माई फ्यू ऑफ माई लेक्चर्स इन द कराची स्टॉक एक्सचेंज. जब वो 16,000 के करीब थी, 15,500, 700, 800, तो मैंने बोला आई सी अ बिग डिक्लाइन. एंड द डिक्लाइन इज नॉट ओनली अ स्मॉल वन. I said the first target is 11,500 and the next target will be 9,500. To logon ne bola 9,500, to ye 9,500 that will be the bottom. Mega, I don't want to tell you how far it can go after 9,500. I don't want to make a panic. And the people that, and at that period of time the market was making a new highs. मतलब उस वक्त स्टॉक मार्केट अपने नए हाईज बना रही थी, राइट. आई एम गोना टेल यू दैट हाउ आई फोरकास्ट अबाउट दिस, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वॉट टेक्निकल एनालिसिस इज. कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूंगा कि वॉट टेक्निकल एनालिसिस इज. द रीजन इज कि जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं पाकिस्तान में, आपको डेटा ही एक सही नहीं मिलता. आपका स्टेट बैंक एक फिगर बताता है कि हमारा इन्फ्लेशन ये है, और एक एजेंसी बताती है कि इन्फ्लेशन जो है वो 40% है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बताती है 36% है. तो जब आप किसी इकोनॉमिस्ट को डेटा प्रॉपर नहीं देंगे तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट दे कैन फोरकास्ट? इफ दे कैन नॉट फोरकास्ट, क्योंकि वो तो डेटा की बेसिस के ऊपर फोरकास्ट कर रहा है. अगर उसको आप डेटा ही प्रॉपर नहीं देंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम कि वो कोई भी फोरकास्ट कर सके. जब वो फोरकास्ट फंडामेंटली नहीं किया जा सकता, तो द बेस्ट थिंग टू ट्रेड इन द फाइनेंशियल फील्ड इज टेक्निकल एनालिसिस. आई कैन नॉट टीच यू व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज, यू नो, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज. क्योंकि वो कोई भी आदमी, अगर आप थोड़ा सा भी वक्त दें तो यू विल हैव एन क्लियर पिक्चर ऑफ द मार्केट, कोई भी दुनिया की मार्केट, नॉट ओनली दिस. कि आप
जब आपके पास डेटा नहीं होता तो व्हाट यू डू, यू गो फॉर अ मार्केट बिहेवियर, द पास्ट बिहेवियर ऑफ द मार्केट, उससे हम एनालाइज करते हैं मार्केट की फ्यूचर ट्रेंड, एंड दैट्स व्हाट द टेक्निकल एनालिसिस इज। जिस तरह अगर हम देखें कि एक घर में लोग चलते हुए आते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि कौन आदमी चल रहा है, उसकी मूवमेंट से, उसके चलने से हमें पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। इसी तरह हम मार्केट को भी एनालाइज कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि मार्केट, व्हाट द मार्केट बिहेवियर इज। आई एम गोना टॉक लेटर ऑन। नॉन प्रोफेशनल ऑफ द ब्रोकर्स, मनी मैनेजमेंट की किसी किस्म की कोई स्टॉक मार्केट में कोई टेक्निक्स नहीं है, किसी किस्म का कोई समझाया नहीं जाता कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इन कि कैसे मैनेज किया जाए, कैसे प्लान किया जाए स्टॉक में। कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आपने 10 लाख रुपए लाए और उसने कहा ओके जी 10,000 ये खरीद लो, 5,000 वो खरीद लो, 10,000 ये खरीद लो। दिस इज हाउ दे ट्रेड इन द मार्केट। Let me give you an idea. Let's suppose if you are trading in a stock market, मैं आपको एक बिल्कुल थोड़ा सा उसमें बताऊंगा। Suppose you are trading in the stock market and you are investing 1 million rupees. के 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आप करें, एंड योर टारगेट इज मेकिंग 36% पर एनम, दैट इज लाइक 3% per month. So your target is 30,000 per month, and if we divide by 22 days, jo working days hain, usse divide karte hain, to it's close to 1365 rupees a day. Ab mujhe bataiye ki when you want to make 1365 rupees a day, why you are trading 10,000 and 5,000 shares? When you can achieve your target with 1,000 shares, why you have to go for that big deals? ये सबसे major problem जो है पाकिस्तान में वो ये है कि कोई planning नहीं है। And once you make a plan of the currency of all the stocks, कि when you are investing in the stock market, you should know what you are doing, किस में काम करना है, और वो 40% तक नीचे आए, you keep buying it. अगर आप 1,000 share खरीदते चले जाएं, the market cannot beat you. And you achieve not only 36%, I can guarantee it, if you go with this way, इस तरह market में आप enter हो, you can make more than 70% per annum in a stock market. But that's the only way. You have to be very disciplined. The people are not disciplined. And the greed and the fear is there. And fear, मैंने आपको बताया, the panic, what panic is. When you are not planned for anything, you always make a panic. Now, recession reduces investors' confidence in the stock market. Of course, लोग डर जाते हैं, industries का जो बुरा हाल होना शुरू हो जाता है, उससे लोगों को खौफ आना शुरू हो जाता है, और वो परेशान हो जाते हैं कि, you know, should I invest money in this industry or not? मगर believe me, this time goes too fast. इतनी तेजी से ये वक्त गुजर जाता है कि हमें नहीं पता चलता है। ऑफ कोर्स जब आप उस टाइम पीरियड से गुजर रहे होते हैं और आप प्लान करके अगर चलते हैं, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट आउट ऑफ इट, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। एंड 95% ऑफ द पीपल, दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज, इन स्टॉक्स, इन फॉरेन एक्सचेंज, दे आर लूजर्स। Only 5% people, they make money. Only 5% people make money in all these investments. And all those people, either they are professionals or they are disciplined traders. And if you are not disciplined, you should not trade in any of these in financial instruments. That is the key. If we talk about the gold, जैसे मैंने बताया था कि लोगों ने, दुनिया ने gold के अंदर बहुत ज्यादा investment की है, recession के अंदर एक fear होता है लोगों को कि where I should invest money, where I should park my money. The question है कि where I should park my money, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा पैसा बच जाएगा, मेरा पैसा secure होगा,
how I can secure my money. Then people, they have this thing in mind, we should invest in the gold.